हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप स्टूडियो। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा मेकअप का लुक लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एकदम से बॉलीवुड ग्लैम लुक क्रिएट की है। एंड गाइस, ये जो मैंने लुक क्रिएट की है वो सारी की सारी लुक मैंने शोपैरल के प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट की है। तो इस लुक में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रोडक्ट एप्लीकेशन जो न्यू रेंज शोपैरल की आई है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड हम एथनिक लुक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो मेरी लुक है ये फेस्टिव लुक है। जैसे कि अभी फेस्टिव मंथ चल रहा है, तो फेस्टिव मंथ में आप कैसे एकदम इंडियन एंड एथनिक लुक्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी आईज़ को ग्लैमरस एंड इंडियन वे में कैसे डिफाइन कर सकते हो, इस मेकअप लुक में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। जैसे कि मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम स्किन को क्लीन करते हैं, बैलेंस करते हैं, टोनिंग करते हैं, ठीक है। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो हमारा हमेशा ही सेम रहता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, बट टोनर है या CTM है वो एज़ पर द स्किन ही हम करते हैं। स्किन इन द सेंस, अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या फिर आपकी स्किन नॉर्मल है, तो उसके लिए आपको क्लाइंट की स्किन को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, देन हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपना CTM है जो वो पिक करेंगे। CTM का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। आपने इसमें सिर्फ फेस के ऊपर जो डेड पार्टिकल्स हैं उनको पहले क्लीन करना है, देन टोनर के साथ आपने स्किन को बैलेंस करना है, pH लेवल बैलेंस करना होता है स्किन का, एंड देन मॉइस्चराइजिंग आप सब स्किन के ऊपर करोगे, चाहे स्किन आपकी ऑयली है या ड्राई है। मॉइस्चराइज़र हम एज़ पर द स्किन ही पिक करते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र पिक करेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हम ऑयली सीरम्स एंड या फिर मॉइस्चराइजर्स पिक करेंगे। एंड देन अभी मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये शोपैरल की न्यू रेंज है मॉइस्चराइजिंग मिस्ट। बेसिकली ये क्या करेगा, ये मिस्ट है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, मीन स्किन के ऊपर ग्लो लेके आएगा। आप इसको बिफोर मेकअप यूज़ कर सकते हो एंड करना भी पहले ही पड़ेगा। एंड देन मॉइस्चराइजर, शोपैरल का मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छा है, स्किन को डीपली नरिश करता है। अभी जैसे हमारा जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो स्किन ड्राई हो रही है, तो स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए आप ये जो मॉइस्चराइज़र है यूज़ कर सकते हो, एंड आपके मेकअप का स्टे भी बहुत अच्छा रहता है। गाइस, मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं, मैंने पर्सनली इस चीज़ को यूज़ किया है एंड यूज़ भी कर रहा हूँ, एंड आप रिज़ल्ट भी देखोगे कि इनका फेस कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, एकदम फ्लॉलेस सी लुक आएगी। एंड देन उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर लीजिए। पेनिट्रेट करने के बाद अगेन आइज़ के साथ मैं स्टार्ट करूँगा, पहले आई क्रीम अप्लाई कीजिए। अगेन गाइस, आई क्रीम आप स्किन के अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करोगे, कुछ लोगों की आई ज़्यादा ग्रीजी होती हैं तो आपको वहाँ पे आई प्राइमर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जो स्किन है, स्किन एनालिसिस करना आना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब मेरे क्लाइंट की स्किन प्रेप हो गई है तो हम इनका जो है वो मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप के लिए सबसे पहले आई से स्टार्ट कर रहे हैं। आईज़ को मैं अच्छे से आई बेस के साथ कवर कर लूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं ब्रश के साथ बिल्कुल स्किन टोन का जो कलर है वही पिक कर रहा हूँ। आप कोई भी कंसीलर पिक कर सकते हो, आपकी वैनिटी में अगर आई बेस नहीं है तो आपके पास कोई भी कंसीलर है, थिक कंसीलर है, आप उसको एज अ आई बेस यूज़ कर सकते हो। एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड करना है स्किन के अंदर, एकदम से उसको फिक्स कर देना। अगर ये प्रॉपरली फिक्स नहीं होएगा तो आपका मेकअप जल्दी ही ग्रीजी हो जाएगा और उसमें क्रीजेस भी आ जाएंगी। तो हमारा जो आई बेस है वो प्रेप हो गया है, अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेसी फ्रॉम शोपैरल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई शेडो पैलेट है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं इसके। आप जैसे देखना, मैंने अभी अप्लाई किया सिंगल स्ट्रोक में, आप देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंटेड मुझे क्रीज मिला है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसमें आपको मैट कलर्स प्लस शिमर्स दोनों ही मिलेंगे, और उसके जो कलर के वेरिएंट्स हैं आपको इसमें मिलते हैं। जैसे सेंटर की आप लेन देख सकते हो, वहाँ पे सारे शिमर्स हैं, एंड बोथ साइड पे आउटर पे आपको स्मोकी के लिए, क्रीज के लिए, हाइलाइटिंग के लिए कलर्स मिलेंगे। क्रीज क्रिएट करने के बाद उसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, स्मूथनेस देंगे क्रीज को। क्रीज कलर मैंने बिल्कुल ही न्यूट्रल सा पिक किया है, क्योंकि जो मैं मेकअप कर रहा हूँ उसमें मैं बेसिकली जो लाइनर है वो ग्राफिक विंग लाइनर अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आईज़ का मेकअप जो है वह न्यूट्रल
बट थोड़ा सा शिमरी रखूँगा। मैं जो शिमर्स यूज़ करूँगा वो भी मैं सैसी पैलेट्स के अंदर से ही यूज़ करूँगा। एक बार ही आइज़ को सेट करने के बाद अब हम शिमर एप्लीकेशन करेंगे। शिमर एप्लीकेशन करने के लिए अगेन मैं पैलेट, यस पहले पैलेट को शो कर रहा हूँ। शोकेस करने के बाद मैंने इसको ओपन किया एंड इसमें से जो मैंने कलर उठाया है वो पीच, गोल्डन पीच टोन के ऊपर कलर है। एंड आप देखना जब मैं अप्लाई करूँगा आइज़ के ऊपर कितना अच्छा इफ़ेक्ट है, सिंगल स्ट्रोक में इतना अच्छा इफेक्ट है। आई बॉल के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा पूरे के पूरे शिमर। दीज आर बेसिकली शिमर्स, पिगमेंटेड हैं, जैसे हम फ्लेक्स बोल सकते हो या फॉयल शिमर्स बोल सकते हो, बट ये ग्लिटर्स नहीं होते हैं, ये ब्लेंडेबल हैं। तो जो ब्लेंडेबल होंगे वो ग्लिटर्स नहीं होंगे। एंड देन आईज़ को रेडी करने के बाद, आई शिमर करने के बाद, मैंने उसी में से जो मेरा वाइट मैट कलर का हाइलाइटर है वो मैंने पिक किया एंड आईज़ ब्राउ एरिया पे अप्लाई कर दिया दोनों आईज़ के ऊपर। आप पैरलर दोनों आईज़ भी कर सकते हो, आप वन बाय वन भी कर सकते हो, योर विश। बट अगर आप पैरलर दोनों आईज़ करते हो उसमें एडवांटेज ये रहेगी कि दोनों आईज़ का मेकअप है, दोनों आईज़ के मेकअप की इंटेंसिटी सेम रहेगी। आपको पता चलेगा कि आपने कितनी इंटेंसिटी और कितने स्ट्रोक्स यूज़ करे हैं आई के ऊपर। एंड देन अभी हम इनकी आईज़ के लिए यूज़ करेंगे लाइनर अगेन फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल का काफ़ी अच्छा लाइनर है, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड इसका स्टे एंड इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, जेल लाइनर है। तो जो आज मैं इनको लाइनर अप्लाई करने वाला हूँ दैट इज़ ग्राफिक विंग लाइनर। सबसे पहले आई कॉर्नर के ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा, देन वहाँ से बिल्कुल टूवर्ड्स अ ब्राउ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो जहाँ तक आपके क्लाइंट की क्रीज ख़त्म हो रही है, मीन्स फॉल कर रही है। देन आप टूवर्ड्स अ नोज एक शार्प लाइन ड्रॉ करोगे, मैं आपको क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। एंड देन उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने उसमें फिलिंग कर दी। अभी ब्रश की टेल हमें बिल्कुल शार्प चाहिए तो इसलिए मैंने अपने थंब के नेल के ऊपर ब्रश को बिल्कुल ही शार्प टेल के लिए फ्लैट किया था। एंड देन यहाँ पे मैं एक एंगल क्रिएट करूँगा। एंगल क्रिएट करने के बाद इसको मैं आउटर तरफ वी को एक्सटेंड कर दूंगा टूवर्ड्स द ब्राउ एंड, मीन जहाँ पे आपकी ब्राउ ख़त्म हो रही है उस तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। बहुत ही नीटली ये चीज़ आपको करनी होती है क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी भी है और अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे तो आपकी आई शेप जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। एंड मोस्टली ऐसा जो लाइनर आपने देखा होगा तो दीपिका पादुकोण ऐसा लाइनर वेयर करती हैं। आप मोस्टली देखना जैसे दीपिका की आईज ऐसे विंग लगती हैं। एंड गाइस इस वीडियो में हमने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारे क्लाइंट हैं ये कैसे लग रहे हैं, किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि दीपिका के साथ रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि रीज़न इज़ द लाइनर, जो हमने लाइनर पिक किया है वो दीपिका का कॉपी किया है लाइनर एंड द ब्राउ शेपिंग। ब्राउ शेपिंग तो मोस्टली आपको पता ही है कि हम कैसे करते हैं। ब्राउ शेपिंग करने के लिए हम बिल्कुल आग से स्टार्ट करते हैं, टूवर्ड्स द नोज फिलिंग करते हैं एंड ब्राउज में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दोनों ब्राउज जो है वो आप इक्वल ही करोगे एंड शार्पनेस आप इक्वल ही दोगे वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट कुछ प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्राउज ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें हम उसी को फॉलो करेंगे, जितनी हमारे एंड पे हो सकेगी उतनी हम करेक्शन कर सकते हैं। एंड देन लैशेस, लैश एप्लीकेशन के लिए आपको लैश के जो लिड होती है वहाँ पे ग्लू अप्लाई करने हैं, देन उसको फ्यू सेकेंड्स के लिए ड्राई करो एंड डायरेक्टली प्लेस कर दो लाइनर के ऊपर एंड बिल्कुल लैश लाइन के एजेस के ऊपर जहाँ पे हेयर लाइन होती है वहाँ पे कर सकते हो। गाइस जो मैं इनको लैशेज यूज़ कर रहा हूँ वो रियल हेयर लैशेज हैं, काफ़ी न्यूट्रल हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है। बट आप अगर चाहो तो आप 3D मिंक लैशेज भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग लैशेज भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मोस्टली अगर आपने मेरे मेकअप्स कंटिन्यूटी में देखे हैं तो मैं लैशेज जो है वो लाइट ही प्रेफर कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे अपने जो मेकअप में क्रिएटिविटी है वो भी दिखानी है।
अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम हैवी लैशेज यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जो मेकअप है, आपके जो लाइनर की डेफिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो मैंने लैशेज़ यूज़ किए हैं वो मैंने थोड़े लाइट यूज़ किए हैं, सो दैट कि मेरे क्लाइंट का जो मेकअप है वो दिखता रहे। एंड देन अंडर आई मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करने के बाद मैंने अंडर आई बिल्कुल क्लीन कर दिया। अभी हम करेंगे स्किन को प्राइम। प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल की तरफ से, है जेल बेस्ड प्राइमर है। पूरे फेस के ऊपर हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छे से एप्लीकेशन के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अगर आपको इनकी आईज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इनका आई कलर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इनके जो आई लेंस यूज़ किए हैं वो मैंने ओ लेंस के यूज़ किए हैं। ओ लेंस का ऑलिव कलर है, स्कैंडी ऑलिव कलर, बहुत अमेजिंग है। एकदम से आपकी आईज़ जो वो इन्हेंस होकर उठ के आती हैं। एंड वो तो आप देख ही रहे हो, एंड लाइनर कैसे प्रॉपरली विंगड आ रहा है। अभी जो यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनेटर, एल्यूमिनेटर फ्रॉम शोपैरल। इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक सिल्वर में है एक गोल्डन में। एज़ पर द स्किन मैं गोल्डन एल्यूमिनेटर पिक कर रहा हूँ। एल्यूमिनेटिंग करने का पर्पस ये होता है कि अगर आपकी क्लाइंट किसी नाइट वेडिंग के लिए किसी ऐसे फंक्शन पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको फेस के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए, तो बिफोर अप्लाइंग द फाउंडेशन हम एल्यूमिनेटर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर ग्लो देगा एंड आपकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, जैसे कि सबको अच्छी लगती है ग्लोइंग ग्लोइंग एंड शाइनी शाइनी सी स्किन। हाँ, बट अमाउंट हमेशा माइंड में रखनी है, आप कितनी अमाउंट कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो। ये ना हो कि ज़्यादा चमकने के चक्कर में आप ज़्यादा अप्लाई कर लो और बाद में पता चले कि आप सिर्फ वहीं पे आप ही चमक रहे थे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखने वाली है। अभी हम इनके फेस को कंसील करेंगे। कंसीलिंग के लिए जो मैं पैलेट यूज़ करूँगा दैट इज़ येट जेड पैलेट फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल की जेड पैलेट है। इसमें से मैं अंडर आई एरिया को कंसील कर रहा हूँ। मैंने दो कलर्स मिक्स किए हैं, एक मैंने लाइट पीच टोन लिया है एंड देन उसको मैंने ऑरेंज के साथ स्किन के ऊपर ही मिक्स करना शुरू कर दिया, बेसिकली मिक्स किया है, क्योंकि ये क्रीमी कंसीलर है, ईजिली मिक्स हो जाएंगे स्किन के ऊपर ही। एंड अंडर आई, अराउंड द लिप्स एंड अराउंड द नोज़ आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही एरियाज़ होते हैं जहाँ पे क्लाइंट को डिस्कलरेशन होती है एंड यही वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमने ब्राइटनिंग देनी होती है, मीन्स ब्राइटनेस देनी होती है फेस के ऊपर। आप देख सकते हो फोरहेड, अंडर द आईज एंड अराउंड द लिप्स एंड चिन एरिया। एप्लीकेशन के बाद उसको अच्छे से आप ब्लेंड करो। अभी दोबारा मैं ब्राइटनिंग के लिए, हाईलाइट करने के लिए मैं लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ आइवरी। लाइट कलर का कंसीलर आप देखोगे कि पहले मैंने स्किन को न्यूट्रलाइज़ किया, एकदम से न्यूट्रलाइज़ करने के बाद अब मैं स्किन को ब्राइटनेस दे रहा हूँ। तो ब्राइटनेस देने के लिए हम लाइट कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है, पहले आपको स्किन को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा, देन आप ब्राइटनिंग के लिए कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस डायरेक्ट करोगे तो आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड गाइज, इसमें जैसे आप देख रहे हो इनके जो मैंने लाइनर दिया, तो मैं इसमें आपको फेस लिफ्टिंग भी सिखाऊंगा कि कंसीलर और कंटूरिंग के साथ हम फेस लिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आपने कि मैं कैसे इसमें लिफ्टिंग दे रहा हूँ। अभी जैसे आइज़ के पीछे से मैंने बिल्कुल लाइनर की डायरेक्शन में बिल्कुल हेयर लाइन तक एक लाइन ड्रॉ की है, इसके साथ आप देखना कि फेस में लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा, इनका फेस लंबा लगेगा। और भी आई थिंक अभी भी आपको लग रहा होगा कि इट्स लुकिंग लॉन्ग एंड सी। एंड अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए भी मैं उसका डार्केस्ट कलर जो है वो मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ बोथ साइड पे, जहाँ पे हम कंटूर करते हैं। चीक्स के ऊपर करूँगा, अराउंड द फोरहेड होएगा आपकी हेयर लाइन को कंटूर करने के लिए, सो दैट कि आपका जो बेस है, जो फेस है, वो मास्क जैसी लुक ना दे, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। एंड नोज़ तो सबको ही शार्प करना होता है, मीन्स सबकी यही चीज़ होती है कि भाई मेरा नोज़ एकदम उठा दो, उठा उठा सा लगे नोज़। उठाने का मतलब ये है कि एकदम शार्प कर दो, उठाने का मतलब ये नहीं कि उठा ही दो। एंड देन द कंटूर पार्ट, आप देखो मैंने लिफ्टिंग टेक्निक यूज़ किया, जिसके साथ ही इनकी जो फेस शेप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है, बिल्कुल ही लॉन्ग हो गया, इनका फेस लंबा लगना शुरू हो गया है। एंड दिस इज़ द बेसिक फेस स्ट्रक्चर।
इस फेस स्ट्रक्चर को ही हम क्रिएट करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रा HD मेकअप और प्रीमियम HD मेकअप एंड द ब्लेंडिंग पार्ट। जो एप्लीकेशन की है उसको आपने वहीं पे ब्लेंड करना है, उसको स्क्रैच नहीं करना है। आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो टैपिंग मोशन में ही आना चाहिए, आपने बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना है। अगर वैसा करोगे तो आपका जो सारे का सारा कंटूर है, आपका कंसीलर है, वो सारे ही मिक्स हो जाएंगे, देन कोई भी इफेक्ट नहीं बचेगा पीछे। गाइज, मैं अपनी वीडियोस डिटेल में इसलिए बनाता हूँ सो दैट कि आप हर चीज़ को अच्छे से देख और समझ सको, आपको पता चले कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो वो आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसलिए मैं इसमें डिटेलिंग में हर एक चीज़ बताता हूँ। एंड तभी मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप वो मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। अभी ब्लेंडिंग करने के बाद हम ब्लशर यूज़ करेंगे। अगेन, जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं शोपैरल का यूज़ कर रहा हूँ। ग्लो मी इसकी पैलेट है जिसमें से मैं लिक्विड क्रीमी ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ। क्रीमी ब्लशर एप्लीकेशन देखिए कैसे कर रहा हूँ, ब्रश के साथ कर रहा हूँ, टैपिंग टैपिंग मोशन में मैंने वहाँ पे ब्लशर एप्लीकेशन कर दी है। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जो ये पैक का ब्रश है एंड इसका जो टेक्सचर है दैट इज़ सिंथेटिक, क्योंकि हम हमेशा क्रीमी प्रोडक्ट पिक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सिंथेटिक ब्रशेज ही यूज़ करते हैं। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि शोपैरल के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार, यूज़ करके देखो मज़ा आ जाता है। इवन लुक्स बहुत अच्छी अच्छी क्रिएट कर सकते हो आप इनके साथ। मोर ओवर, लुक्स क्रिएट करना आपके हाथ में, बट देखो अगर प्रोडक्ट अच्छा आएगा तभी आप लुक क्रिएट करोगे ना। एंड सी इनका फेस कितना लंबा लग रहा है अभी, जैसे मैंने ब्लशर भी बिल्कुल ही वैसे ही यूज़ किया कि थोड़ा सा फेस इनका लंबा लगे। एंड देन द फाउंडेशन, इनके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल का फाउंडेशन है एंड नंबर इज 04, क्योंकि जो इनकी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने फाउंडेशन पिक किया है। इसकी रेंज सारी आती है, अगर आपके पास कोई भी डायरेक्ट मीन सिंगल शेड नहीं है तो आप उसमें दो फाउंडेशन मिक्स करके किसी भी क्लाइंट का कलर क्रिएट कर सकते हो। एंड फुल फेस पे हम फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हैं। जब भी आप HD मेकअप्स कर रहे हो या फिर आप फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हो, देन एक चीज़ माइंड में हमेशा रखनी कि आपने फेस को पूरा कवर करना है टैपिंग मोशन में, आपने स्कैटर्ड वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करनी। अगर स्कैटर्ड करोगे तो बाद में जो आपका फेस है वो पैची दिखेगा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं मेरे, ये बहुत ही कमाल के और याद रखने वाले हैं, आई थिंक आपको ये हेल्प भी करेंगे। देखो जैसे मैंने पूरे का पूरा हाफ फेस इनका कवर कर दिया। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कंटूर किया, कंसील किया, देन ब्लशर किया, वो तो सारे का सारा मैंने कवर कर दिया फाउंडेशन के साथ। नहीं, क्योंकि जैसे जैसे फाउंडेशन सेटल होएगा, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होएगा, आपकी वो सारी एप्लीकेशन हाईलाइट होंगी बट वो विजिबल नहीं होंगी। एंड मोरओवर बाद में फिनिशिंग में हम पाउडर के साथ वहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन रिक्रिएट करेंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड द लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, ब्राइडल मेकअप, जो ज़्यादा देर तक लास्ट करता है। फुल फेस एप्लीकेशन के बाद मैंने अभी इसको इवन कर लिया है। इवन करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एकदम से कंसील करूंगा। तो गाइस, आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कि सामने से फेस कितना फ्लॉलेस और ग्लोइंग सा लग रहा है। एंड आपकी नेक और आपके फेस का कलर भी इवन लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नो कि आप फेस पे ज़्यादा एप्लीकेशन करते जाओ, बाद में आपका फेस जो है वो पिक्चर्स में एकदम मास्क जैसा आए। हाँ, आप फेस में और नेक में आप 2-3 लेवल्स का डिफरेंस रख सकते हैं, क्योंकि नेक जो है वो कवर भी हो जाएगी एंड बॉडी पार्ट के ऊपर हम शिमर यूज़ कर लेते हैं, बट हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे। अगर आपकी नेक के ऊपर भी डिस्कलरेशन है तो वहाँ पे भी आप प्रॉपरली कंसीलिंग एंड करेक्शन करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो आपकी नेक बिल्कुल ही डिफरेंट और आपका फेस बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं, जैसे जो डीप एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आप स्मॉल ब्रश के साथ फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, इवन ब्लेंड कर सकते हो। जैसे मोस्टली अराउंड द आइज़, अराउंड द नोज़, कभी कभी कुछ लोगों का नोज़ डीप होता है या आइज़ डीप होती है, तो वहाँ पे आपका ब्यूटी ब्लेंडर इजीली नहीं जाता, या फिर क्लाइंट को ब्लिंक करने की आदत होती है तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अनईजी आपको लगता है, तो आप छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप
सभी कॉर्नर्स के ऊपर अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो। अभी हम यूज़ करेंगे लूज पाउडर। शपैरल का लूज पाउडर द शेड इज़ वनीला। ये हम फेस पे यूज़ करेंगे। आपको पता ही है ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके मेकअप को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लुक देता है एंड आपका मेकअप जो है वो स्टे करता है मोर देन 12 आवर्स। एंड ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कोई डाउट नहीं इस चीज़ में कि आपका जो ये शपैरल का लूज पाउडर है वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड गाइज, आपने भी हैक भी देखा होगा मेरे पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था, इवन मैंने यूट्यूब पे भी डाला है कि ये जो लूज पाउडर है ये वाटरप्रूफ है। तो मैंने उसमें डिटेल में बताया कि ये कैसे वाटरप्रूफ है। तो अभी हम फुल फेस के ऊपर लूज पाउडर के साथ सेटिंग कर देंगे। सेटिंग करने के बाद अभी हम यूज़ कर रहे हैं शपैरल की रेजल डेजल पैलेट अंडर आइज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि मैंने अंडर आइज़ ज़्यादा ब्राइट मेकअप नहीं करना है। तो जो मैंने अभी कलर उठाया दैट इज़ वार्म कलर, लिटिल बिट ऑरेंज शेड में है, तो उसके साथ मैं अंडर आइज़ को हाईलाइट करने वाला हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपका अंडर आई मेकअप अच्छा नहीं होएगा तो आपका जो लुक है वो पूरे का पूरा स्पॉइल हो जाएगा। तो अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग बाय शपैरल काजल्स। यू कैन सी ब्लैक वाइट एंड बेज, तीनों शेड्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे काजल हैं। बट जो आज का मेरा थीम है उसके लिए मैं ज़्यादा कोल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ब्लैकनेस नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा स्मूथ है एंड रिवॉल्विंग है, आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हो। अभी आप देखो वाटर लाइन के ऊपर मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा काजल को, यू विल सी कि कितना अच्छा इफेक्ट आया और आइज़ बड़ी वाइट सी लगनी शुरू हो जाती है, एकदम डिफाइन हो जाती हैं। एंड मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना स्टिकी सिक्की सा नहीं है। मेरे जैसे क्लाइंट को मैंने यूज़ किया, आइज़ वाटरी नहीं होती। कुछ काजल्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करके आइज़ वाटरी भी हो जाती हैं। एंड आप देख सकते हो आई बड़ी लग रही है, लेफ्ट और राइट आई में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो अभी हम दोनों आइज़ पे वाइट काजल यूज़ कर रहे हैं बाय शपैरल। एंड काजल फिनिशिंग करने के बाद अब हम इनकी लैशेस को फिनिश करेंगे। लैशेस के ऊपर मस्कारा एप्लीकेशन करेंगे। मस्कारा अगर आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना चाहते हो तो थिक भी कर सकते हो, एंड अगर आपको चाहिए कि आपको बिल्कुल न्यूट्रल सी लुक देनी है तो थोड़ा सा मिनिमल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा मिनिमल ही रख रहा हूँ, मस्कारा ज़्यादा नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा जो है वो जो इनके रियल हेयर के ऊपर फाउंडेशन का कलर आया हुआ मैं सिर्फ उसी को मस्कारा के साथ कवर कर रहा हूँ, बट टिप के ऊपर ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा। एंड अंडर आई आप जितना अच्छा मस्कारा अप्लाई कर सकते हो उतना कर दो, क्लाइंट की आईज में जान आ जाती है इस चीज़ के साथ। आप देखना अभी जैसे मैं मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से डिफाइन हो जाते हैं, आप जूम करके भी देख सकते हो। एंड गाइस, मुझे तो बार बार इनकी आईज बड़ी अच्छी लग रही है, एकदम मस्त। एक आई पे एप्लीकेशन की है एंड सेम दूसरी पे भी करेंगे। अभी ये जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ ना, सब लोग पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, ये बहुत अमेजिंग है। मैंने तो ये सफोरा से लिया था, दुबई से मिला था, बट उसके बाद अभी ऑनलाइन तो नहीं मिल रहा है ये मुझे, बट सबकी डिमांड में है, हाई डिमांड। मस्कारा फिनिश करने के बाद अब हम इनके फेस के ऊपर कॉन्टोर एप्लीकेशंस करेंगे। कॉन्टोर के लिए अगेन यूज़ कर रहा हूँ सेक्सी बाय शपैरल। दो शेड्स आपको मिल रहे हैं इसमें, एक डार्क है और एक लाइट है। अगेन एज पर द स्किन हम पिक करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर पिक किया है एज पर माय क्लाइंट स्किन। तो आप देखते हो कि सिंगल स्ट्रोक में कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है मुझे, मतलब एक एक स्ट्रोक में अप्लाई कर रहा हूँ तो एकदम से अच्छा कलर आ रहा है। ये नहीं कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मतलब अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो कितना अमेजिंग है। आप यूज़ करके देखोगे गाइस आपको पता चलेगा कि बहुत ही अमेजिंग है ये। एंड द नोज पार्ट, अभी जहाँ पे मैंने क्रीमिंग कंसीलर के साथ, क्रीमिंग कंटूर के साथ मैंने कंटूरिंग की थी, उसी एरियाज के ऊपर मैं अब फिनिशिंग कर रहा हूँ पाउडर कंटूर के साथ। दिस इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि आप जहाँ पे क्रीमिंग कंटूर करोगे वहाँ पे आपको पाउडर कंटूर भी करना पड़ेगा उसको इन्हेंस करने के लिए। एंड दिस इज़ द पर्पस कि हमें वो फीचर जो है वो शार्प दिखाने हैं। कंटूरिंग करने के बाद अगेन आई एम यूजिंग क्लासी ब्लशर पैलेट विद हाइलाइटर सी टिंग 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 टि
एंड विद इन सेकेंड पिगमेंटेड ब्लशर बहुत अच्छा है, मीन्स इफेक्ट तो देखो ना, मतलब जान डाल दी फेस के अंदर। एंड अगेन लिफ्टिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, फेस लिफ्टिंग कैसे करते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। इसमें तीन पैलेट्स हैं शोपैरल की, आपको इसमें ब्लशर, आईज़ एंड कंटूर का पूरा कॉम्बो मिलता है। बट बहुत ही अमेजिंग है, मीन्स आपको रिपेंट नहीं होगा कि हाँ आपने कुछ बाय किया और आपके पैसे वेस्ट हो गए, नहीं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। मतलब मैं तो बड़े मज़े से लगा रहा था ये मतलब ब्लशर। अभी हम करेंगे लिप एप्लीकेशन। अगेन मैं जो लिपर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम शोपैरल, मैट लिपर्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, बहुत ही अच्छा स्टे है। जैसे आप बाकी का मेकअप देख रहे हो वैसे आप इसके लिपर का इफेक्ट भी देखना, बहुत अच्छे और स्मूथली चलता है। मतलब सिंगल स्ट्रोक में काफ़ी कवरेज, अच्छी कवरेज देता है ये आपको। इसमें काफ़ी रेंज आती है, काफ़ी कलर्स हैं इसके अंदर शोपैरल के, आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग से कलर्स है, ब्राइड्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा पूरा दिन स्टे करते हैं कलर। मैं यहाँ पे दो शेड्स यूज़ करूँगा इनके लिए, मिक्स एंड मैच, क्लासी क्लासी अगेन क्लासी, एंड वी आर यूजिंग क्लासी क्लासी हाइलाइटर्स। यस, अब देखना हाइलाइटिंग एकदम फ्लॉलेस लुक आती है, मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग। आप देखो जैसे फेस के ऊपर हमने पूरे का पूरा शोपैरल का प्रोडक्ट यूज़ किया है, लुक कितनी सटल हो गई, कितनी सटल हो गया। एंड गाइज, इनके लिप्स के ऊपर मैंने ओम्ब्रे इफेक्ट दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं लेके आऊँगा वीडियो। अभी हम मेकअप फिनिश कर रहे हैं, फिनिशिंग के लिए सेटिंग स्प्रे फ्रॉम शोपैरल, शोपैरल का ही न्यू लॉन्च है सेटिंग स्प्रे है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी आपने मेकअप किया उसको एकदम से ये सेट कर देगा, स्किन के अंदर आपका मेकअप फिक्स हो जाएगा एंड लॉन्ग लास्ट करेगा। एंड देन फैन, बहुत ही स्मार्ट एंड क्यूट सा फ़ैन है जिसके साथ हम इनका जो मेकअप है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्राई कर रहे हैं, सो दैट कि क्लाइंट को भी ज़्यादा टाइम के लिए आइज़ क्लोज ना करनी पड़ी और हमारा भी जो है वो जल्दी से जल्दी मेकअप जो है वो डन हो जाए। एंड गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर बताओ आपको लाइनर कैसा लगा, फेस लिफ्टिंग टेक्निक कैसी लगी, इनकी ओवरऑल लुक कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स अलॉट।